इन डेटा माइनिंग वी आर ऑलवेज डीलिंग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. अब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, इट कैन बी ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर. हेट्रोजेनिटी कैन बी डिफाइंड एट सेवरल लेवल्स सच एज फॉर्मेट ऑफ डेटा. इससे मुराद ये है कि एक जो हमारे पास डिवेलपर है वो अपने डेटा को फ्लैट फाइल्स में प्रेजेंट कर रहा है. अदर वन इज यूजिंग सम रिलेशनल डीबीएमएस सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल. तो अब क्या होगा कि दोनों में जो डेटा को स्टोर करने का, हैंडल करने का, एनालाइज करने का मेथड है, दैट वुड बी डिफरेंट. इसी तरह कुछ वैल्यूज हमारे पास काफी हाई होंगी, कुछ वैल्यूज काफी लो होंगी. सो देर इज अ स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा. यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन से मुराद ये है कि हम डेटा को किसी ऐसे कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जो हमारे डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम इजिली इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें. इनमें से एक जो फैक्टर है दैट इज रिलेटेड टू जी फैक्टर या जी प्लेटफॉर्म. इस मॉड्यूल में हम इस जी से रेलिवेंट डिस्कशन करेंगे. उससे पहले स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन इट्सेल्फ क्या होगी. बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसीविंग डेटा और रिसीव डेटा इन टू सम कॉमन फॉर्मेट विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय आवर डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स. इससे मुराद अगेन ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट डेटा साइंस और डेटा माइनिंग और डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिफरेंट डेटा रिसीव हो रहे हैं, उन सबको हम एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और वो कॉमन फॉर्मेट यूजफुल हो फॉर फर्दर डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग. अब इसका पर्पज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है. नंबर वन पर्पज इज कोलाबरेटिव रिसर्च. कोलाबरेटिव मीन्स कि जिसमें काफी सारी डिफरेंट फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, सिमिलरली टीचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब कोलाबरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें. अब जब ये मिलकर काम करेंगे तो मे बी सम डेटा इज प्रेजेंटेड डिफरेंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ यूनिवर्सिटी और सम हॉस्पिटल. हर किसी का अपना फॉर्मेट डिफरेंट होता है. सो टू बिकम दैट फॉर्मेट इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग टास्क, इट शुड बी कन्वर्टेड इंटू अ कॉमन फॉर्मेट. लार्ज स्केल एनालिटिक्स. जब भी हमारे पास डेटा होगा, डेटा माइनिंग इट्सेल्फ इज बेस्ड और यूजफुल फॉर लार्ज स्केल एनालिटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास काफी ज्यादा डेटा हो और उस डेटा की मदद से हम डिफरेंट एनालिसिस कर सकें और प्रेडिक्शंस और रिजल्ट्स जनरेट कर सकें. अब इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम डेटा हो. और वेन एवर वी टॉक अबाउट ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, इट इज ऑब्वियस दैट इट विल बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट डेटा सोर्सेज. अच्छा, अब होगा क्या, वेन एवर वी डू दिस लेट्स से डेटा अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, इसकी वजह से हमें डिफरेंट टूल्स जनरेट करने पड़ेंगे विच कैन फर्दर बी यूज फॉर रिसर्च पर्पजेज. सिमिलरली दीज टूल्स विल लीड टू डिफरेंट मेथडोलॉजीज विच कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्च मैकेनिज्म्स एंड रिसर्च पब्लिकेशंस. नाउ देयर इज अ कॉमन मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ डेटा टू इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज कॉल्ड जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन. अच्छा, अब ये जो जी स्कोर है, ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला है जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा पे बेस कर रहा है. इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज सेंट्रल टेंडेंसी, कैन एनीवन आंसर फ्रॉम हियर. सेंट्रल टेंडेंसी जो थी, दैट वाज डिपेंडेंट कि हमारे पास जो डेटा वैल्यूज हैं वो अपने सेंटर से कितनी दूर हैं. अब यहां पे हमारे पास दो मेजर इंपॉर्टेंट थे. नंबर वन वॉज मीन ऑफ द डेटा. जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी अगर हम एवरेज ले लें तो दैट इज कॉल्ड मीन और एवरेज. सेकंड इज वेरिएंस, कि आपका डेटा जो है, बाकी जो डेटा पॉइंट्स बचे वो अपने एवरेज से कितनी दूर है. तो जो ये जी स्कोर है, इट इज बेस्ड ऑन मीन ऑफ द डेटा प्लस सेंट्रल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डेटा. इससे मुराद ये है कि अगर हम यहां पर फोकस करें तो जो हमारे पास जी स्कोर है, दिस वन, इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक इंस्टेंस ऑफ डेटा है, ये पूरे डेटा का मीन है और ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो अगर हम मीन को माइनस कर दें मेन अपने इंस्टेंस में से और डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से, इट गिव्स अस जेड स्कोर और जी स्कोर. लेट्स टेक इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहां पे मैंने ये कहा कि एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने सेट का स्कोर टेस्ट दिया एंड ही एक्वायर्ड 1100 मार्क्स. अच्छा, उस साल जो सेट का स्कोर आया या जो लोगों ने नंबर लिए उसमें जो एवरेज मार्क्स थे, दैट वॉज इक्वल टू 1026 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, 209. तो अब जी स्कोर क्या चीज बनेगी, जी स्कोर वुड बी इक्वल टू 1100 जो लड़के ने मार्क्स लिए, जिसको मैंने कहा कि इंस्टेंस है, पर्टिकुलर इंस्टेंस, 1026 जो एवरेज नंबर है उस साल के,
और 209 विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कि कितना डाटा जो है वो मीन एवरेज वैल्यू से डिफरेंट था. तो जी स्कोर जो बना दैट बिकम्स 354. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी डाटा को लेकर उसकी रेंज को रिड्यूस कर सकते हैं. हमने करना क्या है, हमें इंस्टेंस की वैल्यू चाहिए और एवरेज की वैल्यू चाहिए और सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन से. इसी चीज को अगर हम एक फार्मूले से फॉर्मलाइज करना चाहें, अब होता हमारे पास क्या है, जैसे मैंने लास्ट जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल थी जिसके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद था और उसकी वैल्यूज मौजूद थी. इसको फॉर्मलाइज करने के लिए हमें इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है. अब जब हम इक्वेशन की प्रेजेंट में फॉर्म करते हैं तो अब ये चीज हमें क्या बता रही है, बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं और ये 1/n हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास रेंज उसकी फाइनल रहे. लेट्स से कि हम उसकी रेंज को 0 और 1 के दरमियान लेके जाना चाह रहे हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देते हैं. अच्छा, अब ये x1f क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस है पहले वेरिएबल का और ये मीन है टोटल. फिर ये दूसरा वेरिएबल उसका मीन यानी टोटल मीन, फिर nth वेरिएबल और ये मीन. तो अब ये x1 x2 x3 जो है ये हमारे पास डिफरेंट रोज हैं और उनको मीन से हम माइनस कर रहे हैं. तो अब हमारे पास फाइनली जी स्कोर क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू द प्रीवियस स्लाइड फार्मूला, कि जिसके अंदर हमारे पास जो करंट एट्रीब्यूट है, दिस इज बेसिकली आवर करंट इंस्टेंस और एट्रीब्यूट वैल्यू, दिस इज MF इज बेसिकली मीन ऑफ द कंप्लीट डेटा सेट एंड दिस SF दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंप्लीट डेटा सेट. तो हमें स्टैंडर्डाइज वे में या इस फार्मूले की मदद से क्या होगा कि जैसे मैंने जी स्कोर की एग्जाम्पल सेट के लिए दी, उसमें मैं सिर्फ एक वैल्यू के लिए दे रहा था. अगर मैं उसे एक फॉर्मलाइज करना चाह रहा हूं कि जिसमें हम स्पेसिफिक के बजाय जेनेरिक फार्मूला दे सकें, तो इट वुड बिकम लाइक दिस. अब इसका फायदा क्या होगा कि जब हम इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, देन इट इज मोर रोबस्ट से मुराद क्या है कि इसके एरर्स कम होंगे और ये जेनेरिक होगा, ये मुख्तलिफ जगहों पर हम अप्लाई कर सकते हैं.